Welcome to Miriam's Budget Video. I am Madhuri Khandelwal, a certified financial planner, and in this video, I am going to tell you how to be broke. How not to be broke. क्या आपको अपनी पहली सैलरी का दिन याद है? क्या दिन था ना? अच्छे बच्चे अपनी पहली सैलरी मम्मी पापा को देते थे, और कुछ बच्चे पूरा ही फ्राइडे नाइट उड़ा देते थे, एंड मेरे जैसे अपनी पहली सैलरी से पहला मोबाइल फोन खरीदते थे। बट इवेंचुअली फिर हमें रियलाइज हुआ कि हर महीने के एंड में वी आर नॉट एबल टू सेव अ सिंगल पेनी। बट व्हाई? दया, पता लगाओ क्या गड़बड़ है? ये जेन ज़ी और ये मिलेनियल सैलरी सेव क्यों नहीं कर पाते? कुछ तो गड़बड़ है, बट क्या गड़बड़ हो सकती है? कहीं बॉस की फ्रस्ट्रेशन जो फ्राइडे नाइट पे निकलती हो, या फिर पूरे मोहल्ले को बताने के लिए मैं कितनी अमीर हूँ, या फिर पैसों को किसी ने बात ही नहीं करी, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, या फिर समवन हैज टू सपोर्ट द फैमिली। बट इवेंचुअली मेन रीजन सबका यही होता है, दैट इज योर, बिकॉज यू बिलीव इन यू ओनली लिव वंस। कि पता नहीं रिटायरमेंट में कौन जिंदा रहेगा, नहीं भी रहे तो क्या, अभी तो मजे मार लेते हैं। बट क्या गारंटी कि आप रिटायरमेंट से पहले ही मर जाएंगे? तब तक भी जिंदा रह सकते हो ना, क्या थोड़े तो ऑप्टिमिस्टिक बनो। क्या पता रिटायरमेंट के टाइम पे आपका फार्म हाउस हो, और वो भी अर्थ पे नहीं, मार्स पे। ओवरऑल द पर्पस ऑफ द वीडियो इज टू टेल यू व्हिच बजटिंग प्लान यू शुड फॉलो सो दैट यू आर नॉट ब्रोक एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड वन ऑफ द सिंपल बजटिंग रूल वाज टोल्ड बाय मिस एलिजाबेथ वॉरेन इन हर बुक ऑल योर वर्थ मनी द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी। नाउ इन हर बुक शी टॉक्ड अबाउट द थंब रूल ऑफ 50s टू 30s टू 20। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, ये जो थंब रूल है नॉट नेसेसरी सबके लिए एप्लीकेबल हो, बट इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। इसलिए अगर जम्बो टी शर्ट की पहन तो सब सकते हैं, बट अगर कोई कस्टमाइज कराना चाहता है देन दे कैन गो फॉर इट। सो लेट्स से इफ योर अर्निंग 50,000 पर मंथ देन योर एनुअल इनकम इज 6 लाख। अब एक बात याद रखना कि 5 लाख को क्रॉस करते ही आपको टैक्स भरना है। बट टू मेक दिस कैलकुलेशन सिंपल, आई एम अज्यूमिंग दैट आफ्टर टैक्स व्हाटएवर मनी यू आर गेटिंग इन हैंड इज 50,000। सो अकॉर्डिंगली वी गोना मेक आवर बजट। Now coming to the rule, it says 50% of your net income should go into needs, यानी कि जरूरत के खर्चे, रोटी कपड़ा और मकान। Your mandatory needs can be rent, EMI, transportation cost, grocery bills, electricity bills, etc. And there is one more thing, 30% of your net income should not exceed the rental expense. So if I'm earning 50,000 rupees per month, then my rental expense should not exceed 15,000 per month. So make sure you live below that. So it's better to find affordable house or share it with someone, warna pure paise gaye. Now let's talk about shop, your desires, because none of us would like to live a fragile life and just save. We all want some fun experiences in our life. That's why 30% of your net income should go into wants, that is some discretionary expenditure like fancy clothes, dining out, Netflix, Hotstar subscriptions, etc. ये वो खर्चे हैं जिनके बिना आप रह सकते हो, बट थोड़ी खुशी दे देते हैं। बेसिकली ऑल दीज एक्सपेंसेस आर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। वी टॉक्ड अबाउट 50% शुड गो इनटू योर नीड्स, 30% इनटू योर वांट्स, एंड अप बजट 20% दैट शुड गो इधर इनटू इन्वेस्टमेंट्स और इनटू सेविंग्स। पर अब बात ये आती है कि इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, इतने सारे ऑप्शंस हैं। Well, for this you should consult your financial advisor. And अगर आपको अपने investment decision के लिए आत्मनिर्भर बनना है, and if you want to invest in equities for a long term, then I would suggest you to go for index fund. Apart from it, you can also take the advantage of some tax efficient instruments that are ERSS, PPF, EPF, NPS, etc. वो सब तो ठीक है, but I live with my mom and dad. It's COVID, dude. I can't spend 25,000 on my needs. इतने जरूरत के खर्चे ही नहीं होते जब मम्मी पापा के साथ रहते हैं। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। सो लेट्स ट्वीक दिस फार्मूला। अगर आप सब घर पे हैं तो सेविंग्स भी ज्यादा हो चुकी है, ऑब्वियसली यू आर नॉट पेइंग रेंट, देन डेफिनेटली 50% ऑफ योर नेट इनकम कैन गो इनटू सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। एंड द फन पार्ट, दैट इज 30% ऑफ योर नेट इनकम दैट यू शुड गो इनटू वांट्स, उसको वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि फन पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना। एंड द रिमेनिंग 20% ऑफ नेट इनकम कैन गो इनटू नीड्स, क्योंकि जरूरत के खर्चे मम्मी पापा के साथ रहते हैं थोड़े कम ही रहते हैं। आई होप दिस बेसिक बजटिंग प्लान इज गुड टू फॉलो सो दैट यू विल नॉट बी ब्रोक एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते एट द एंड ऑफ द
month. Thanks for watching the video till the end, and please do like, share and subscribe the channel. And if you have any suggestions or feedback, then please drop it in a comment box. Until then, goodbye.